थोड़ी देर पहले। अरे अरे भाई मतलब जब तू शादी करेगा तो तेरा कन्यादान मैं तो कन्यादान करूंगा। बेटी का होता है, लड़के का नहीं होता है, तो ये तेरी बेटी हुई ना। अच्छा सुनिए, ये तेरा कन्यादान करेगा, क्या बात है। अरे कौन सी पी रहे हो बताओ तो सही। अच्छा गुजरात में तो बैन है, तुम लोग अरेंज कहाँ से करते हो? ठीक है भाई, ये पैग बना लिया मेरा तुम यही लोगों का। कारोबार है, मेरा यही इसी का कारोबार है। अरे तो लेकिन गुजरात में तो बैन है ना, एक अभी हाँ, ये पर बीस दो तीस का नंबर का, लफड़ा भी दो रहता है। नंबर का, दो नंबर का यही कारोबार है मेरा। अरे बोलो टेबल चलो, के। लेकिन आप लाइव पे आके खुल्लम खुल्ला आप ऐसे बोलोगे ना, खुल्लम ये खुल्ला बोलता प्रॉब्लम। हूँ, खुल्लम बाबा खुल्ला जी, बोलता हूँ मैं। आप अरे इनकी ठीक कभी है भाई, लाइव में मैं गुजरात जाके आऊंगा, मेरे को देखना, थोड़ा जुगाड़ करवा दोगे क्या यार? ये दीपक मेरे जी को भी आप मेरे लगेगी लिए थोड़ा, नहीं थोड़ी नहला दूंगा आपको, नहला दूंगा मेरे को दीपक भी जी, लगेगी थोड़ी सी यार, मैं आऊंगा दीपक तो। जी आप इनकी लाइव में देखना, जो 24 घंटे दारू में बैठे रहते, कभी भी भाई इनकी लाइव में ऐड हो जाना, पैग शाबाश। इनके अच्छा 24 अभी मैं घंटे दिल्ली गया था तो मेरा 2.5 लाख का शैंपेन शॉवर हुआ दिल्ली में, 2.5 लाख का तुम्हारी शैंपेन बात नहीं शॉवर। है भाई, तुम्हारी बात नहीं है, तुम तो इसे मिलने जाते हो, 4 लाख का तो सिर्फ कोंडम यूज करते हो। हाँ सही बात मैं है। पहले से बोला ना, पैसों की बात मत कर भाई, पैसे से कोई मुझे लेना देना नहीं है। तू करोड़पति अब्जोपति है, मैं लुक्खा हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं लाइव में बोलता हूँ। भाईचारे से पैसों ठीक वाला है। है या नीचे वाला है, झोपड़े वाला है, कुछ भी है, दिल से जगह दी, अगर भाई मानता है तो पैसों की बात मत कर मेरे पास। बिल्कुल अच्छा देख भाई, ठीक जो इसकी झोली में सब फैला देगा, जिस दिन है। तुम इनके अगर दर पे पहुंचोगे, दरवाजे पे, सब झोली में भाई सब फैला देगा, तुम्हें अगर मानेगा तेरे लिए नहीं जान भी दे तो दूंगा, जान भी दे देगा। जब भी अरे भाई जरूरत तो पड़ी जान तेरा दे भाई देगा तेरे तो पीछे फिर मेरे खड़ा ऊपर रहेगा। खर्चा कौन करेगा? तू जान दे देगा तो मेरे ऊपर खर्चा कौन करेगा फिर? ये है ना, तेरी वाइफ है ना, कमाती है ना। ये पहले मेरी वाइफ अंडरवेयर पहन के आती थी लाइव में, इसको मैंने डांटा, मैंने इसको बोला कि भाई बड़े बड़े लोग आते हैं 36 बिरादरी के, अभी ये सुधर आपके गई लिए है। पल्लू डाला, बाद में ऊपर घूमटा भी आपने निकलवाया, मुझे अच्छा लगा कि आपकी वाइफ ऐसा करती है, घूमटा भी निकालती भाई है लाइफ में, पल्लू डाल, पहली भाई बार के लिए सुनिए तो पल्लू घूमटा डाल, नहीं इज्जत देना। रिस्पेक्ट दिखा भाई के लिए, रिस्पेक्ट दिखा। ये देख पूरी, ये देख भाई, अभी इसको बोलते भाई नारी। सच्ची बात है, कसम से मैं बोल रहा हूँ, ये तेरी वाइफ, अब कसम से बोल रहा हूँ, नहीं सोनिया, आप मिसेस कलाल बन गई है। कल से सिंदूर मंगलसूत्र दोनों लगा लेना सोनिया। नहीं, कल से मैं पूरा लगाए थे प्रदर्शन पर अभी क्या, करने नहा वाली के हूँ। निकली ना तो सिंदूर धो गया होगा, अभी इसने भैंसों के कैसा निकली ना। मंगलसूत्र बनवाया बता? इसको मैंने बोला तेरे चॉइस का अच्छा मंगलसूत्र, इसने क्या किया, दो टट्टे लगा दिए गोटी और बीच में लंड लगा दिया छोटा सा। तू मुझे बता, दो दो गोटी और उसके बाद में बीच में लंड वो गले में डाल दिया, बोला ये दीपक कलाल मेरा मंगलसूत्र है, लवड़े का मंगलसूत्र बना दिया इसने, अब बता। दीपक, ये दो बुब्स के, तुम्हारा दो बुब्स के मंगलसूत्र, बीच में होगा ना वो लंड, यहाँ तक नीचे होगा ना बुब्स के बीच में, फीलिंग हाँ वो ऐसे ही लेती होगा होगी ऐसे ना, करके। फीलिंग लेती होगी ना, फीलिंग लेती होगी हाँ कि कलाल आ गया। हाँ डीके जी, अब देखो लोग मुझे कहते हैं कि तू केला क्यों पकड़ती है, सिर्फ यही रीजन है केला पकड़ने का, लोग ऐसे मेरे को गलत ले जाते हैं। नहीं, मैं समझ गया, अब केला तुझे क्यों हाथ में केला चाहिए, मैं अब मैंने समझ बोला कोई भी गया। डिजाइन का मंगलसूत्र बना, इसने टट्टे वाले दो टट्टे और बीच में ऐसे लंड लटक रहा है, ऐसा मंगलसूत्र भेजो। यार तू मुझे एक बात बता यार, डीके भेजो, मेरे को ही ऐसे लोग मिलते हैं क्या तेरी लाइफ माँ की में? बोसड़ी मारू, बहन चोद मत बोलना, मदर चोद, गाली मत अरे बोलना, दोस्ती में, दोस्ती में निकल गया मुंह से। बहन माँ की गाली मत बोलना। अरे यार दोस्ती में निकल गया यार, दोस्ती नहीं में। दोस्ती में भी गाली नहीं, दोस्ती में भी गाली नहीं। चलो नहीं नहीं देंगे, चलो ठीक है। अरे डीके मेरे एक लॉयर ने इसको बेंचत बोलने पे केस डाला 5500 रुपए का, तुम भी एक बोलो मैं 5500 रुपए का और डलवा देता हूँ, तो 11,000 का हो गया भाई, अभी देख डबल केस हो गया तेरे, 5500 5500 कितनी के। अच्छी जोड़ी जो कि लगी भाई, होगी। जो कि भाई मेरे आज तक जितने भी दोस्त है ग्रुप है, आज तक तू तलब का संबंध नहीं है, गाली बिलोज का किसी के साथ मैंने रिलेशन नहीं रखा, कितने भी क्लोज हो। अरे हम लोग कैसे है ना, बात बात पे वो भेंचो माधव चो बात बात हाँ पे वो तो गाली देते आपका हैं हम क्या है लोग। भाई, आप तो ये इसे बेटी बेटी बोल के बीवी बना लिया, आप तो क्या हो बेटी चोद हो, मुझे थोड़ी ना पता है। बहुत इसे क्या बेटी भाई, बेटी और बोल रहे बाकी हो, सब बेटी ठीक? चोद बन गए हो, ऐसे ही बोल रहा हूँ, बेटी जैसे चोद तू नहीं, चोरी बोलेगा रिप्लाई चोरी ऐसा ही चोद। मिलेगा, जैसा तू बोलेगा रिप्लाई ऐसा ही मिलेगा मेरा। इससे अच्छा नहीं आप भाई दोनों की देखो, बात आप करो, अच्छे हस्बैंड वाइफ की इंसान बात करो, हो। मेरी छोड़ मेरी छोड़ मेरी छोड़, आप दोनों की बात करो। अब क्या हुआ, क्या समझा रहा था इसे? मैं ये समझा रहा हूं कि अपने 36 बिरादरी के भाई आते हैं तो अच्छी तरह से रहा कर, अच्छे कपड़े, अच्छी बातें, पारिवारिक बातें होनी चाहिए मेरे लाइफ में, पारिवारिक माहौल रहना चाहिए, ये मेरी सोच है और कुछ नहीं है।
तो ये क्यों ऐसे नहीं रहती है, कच्चे जंगे में वो क्या बोलते हैं, चड्डी बड्डी में आ जाती है। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, ये गलत है ना भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ यार। कलाल के साथ नाम जुड़ा, इसे समझाओ आपका नाम क्या है और कलाल के साथ नाम जुड़ा है तो ये क्यों ऐसा। मैं विधायक का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ गुड़गांव फरीदाबाद से। क्या बात है, क्या बात है, लड़ना ही चाहिए। बिरादरी के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरी बीवी जब वहां पे केला पकड़ के बिकिनी पहन के आएगी लाइव में, क्या इज्जत रहेगी मेरी, आप मुझे बताओ। अच्छा आप मुझे बताओ, ये कैसी लग रही है, स्टार प्रचारक होगी ना, ये तो स्टार प्रचारक होगी ना आपकी। गुजरात से भी लड़, ये भाई सपोर्ट करेंगे, गुजरात से भी लड़, इनकी बहुत धार। सुन, और सबसे पहले तो वो लंड का मंगलसूत्र है ना, वो लंड का मंगलसूत्र वो डिजाइन चेंज कर ले, कोई अच्छा सा मंगलसूत्र बना, केले में नहीं लगेगा, वो इलेक्शन में अच्छा नहीं लगेगा। अखरोट बीच में एक बादाम लगाओ, सही है साहिल भाई, सही है साहिल भाई, है ना। और सुनो भाई डीके, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रोज कितना पीते हो, डेढ़ दो बोतल से ऊपर। चलो भाई अपनी जिंदगी है, बट यही मैं बता रहा हूँ, मैंने 12 करोड़ रुपए नशे में खर्च किए। मैं भी पहले बहुत नशा करता था, पिछली बार सुना था 14.5 करोड़ खर्च किए थे, 12 करोड़ तो कम बोले आप, पिछली बार मैंने 14.5 करोड़ सुने थे कहीं भाई। वो जो 2.5 करोड़ था ना, वो दोस्तों ने लौटा दिए मुझे। अच्छा अच्छा, मैंने पिछली बार सुना था, तब 14.5 करोड़ का सुना था। डीके भाई 2.5 करोड़ की खाली बोतलें बिकी है ना, 14.5 करोड़ की ही थी, 2.5 करोड़ की खाली बोतलें बिकी है, बियर की, पौवे वौवे वो सब, वो वाइन की बोतल वो कबाड़ में बेची, वो 2.5 करोड़ रुपए उसका नहीं काटेंगे क्या भाई। हिसाब में बहुत बढ़िया है दीपक, मालूम है जो हिसाब लगा पूरा बराबर से बता दिया। अच्छा सुनो भाई, ये सोनिया ने नई आईडी बनाई है, यहाँ पे जितने भी लोग है 14,000 लोग, इसकी नई आईडी है, इसको एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो करो। उसके बाद में अपने ये भाई है, और मैं भाई को प्यार करता हूँ भाई, अपने अच्छे भाई है, थोड़े गुस्से वाले दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, भाई की भी इज्जत करो। अरे थोड़ी बस मेरे भाई, दीपक कलाल की पावर है कि यहाँ पे 14,000 लोग, सुनो ये दीपक कलाल की पावर है कि दीपक कलाल ने 14,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे किए, तो दीपक कलाल के लिए, दीपक कलाल के लिए गुजरात में एक केक काटो आप। दीपक इनके 8 लाख हैं, डीके भाई केक तो बनता है, डीके भाई पूर बंदर भी। दीपक 8 लाख, इनके 8 लाख फॉलोवर्स हैं, आप सर्च करना 8 लाख, ये नॉर्मल बंदे नहीं। अच्छा अच्छा, तो इतने ये जो 14,000 लोग हैं इनके, क्या मुझे लगा मेरे नहीं, 8 लाख, 8 लाख आप देखो क्या बात कर रहे हो, देखो 1,88,000 188 के। हाँ खुल गए, चलो फिर भी अच्छे आपके फॉलोवर, नहीं फिर भी आपके अच्छे फॉलोवर है, फिर भी अच्छे है यार हमारे तो जितने भी लोग हैं भाई जो यहाँ पे नए हैं, मुझे फॉलो करो, क्योंकि आपको तो पता है मैं इंटरनेट सेंसेशन हूँ, और दुनिया मेरे ऊपर मरती है, लड़कियां मुझे छूने के लिए मरती है, सूंघने के लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि फिलहाल मेरी एक गर्लफ्रेंड है, रशियन गर्लफ्रेंड सोनिया, भी स्टैंड बाय मैंने रखी है, जब भी पंजाब दिल्ली जाता हूँ सोनिया को मिलता हूँ, लेकिन मेरी जो रियल गर्लफ्रेंड है वो एक रशियन है, और मैंने अभी तक तो उसका नाम नहीं रिवील किया है। दीपक आपकी जिंदगी में कितनी लड़कियां हैं अभी? अकेले पिए जा रहे हो, तुम्हारे देख देख के मेरे शरीर के कीड़े हैं ना, शराब वाले ललचा रहे हैं यार, तुम अकेले पिए जा रहे हो कब से, देख घूट पे घूट भाई, उसका बिजनेस है, फैक्ट्री है उसकी, दारू की फैक्ट्री है, तेरा क्या है? दारू की फैक्ट्री नहीं है तो क्या हो गया, हम क्या खरीद के नहीं पी सकते, हम क्या तेरी जगह पर थैलियों की शर्टें पहन रहे हैं क्या? एक काम कर, मेरा मूत पिएगा आगे अपनी औकात पे, तू मूत ही पीता होगा दुनिया का, तभी तो दुनिया को सोचता है कि सब मूत पी ले, तू पी ले ना थोड़ा सा मूत अपना, गिलास भर के, लोटा भर के मूत पी ले ना, सबका मिक्स करके पी, हम चार लोग बैठे ना चारों का मिक्स करके पी, तुझे मस्त नशा होएगा, दारू तो तू पीता नहीं है, बेतुकी बातें, मूत पी ले, टट्टी खा ले, यही बातें है यार, दूध पीते पीते मूत पीने की बातें करता है। अच्छी करी यार, तू अच्छा खाना खाता है ना, घर का पका हुआ खाना खाता है ना, दुनिया क्यों क्यों टट्टी खाने की बातें करता है भाई? क्योंकि तेरी तो ना पहुंच है ना अप्रोच है, तेरे से करूंगा तो तू क्या उखाड़ लेगा। अभी देख इन्होंने क्या बोला, तेरी गुजरात में पहुंचेगा डीके भाई, तेरे को फोड़ फोड़ के मारेगा।
तूने जो नहीं, बातें अभी बोली नहीं, अभी, अरे भाई अभी वो मैं शांत हो पहुंचूंगा तो गए। भाई मेरे लिए तो मेरी तो देख यारी दोस्ती, अपना तो आपस में देख, अगली जुलाई को एक जीना कभी गुजरात जाऊंगा पोरबंदर, देखना साथ में बैठ के गिलास अपना चेयर्स मारते हुए की तेरे को देख लाइव दिखाऊंगा मैं। और दीपक मैं गुजरात जा रही हूँ, मैं गुजरात जा रही हूँ 2 दिन बाद डीके जी से मिलने। भाई गलत बोल रहा हूँ डीके भाई, नहीं होगी, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर। देख मेरे लिए भाई तेरे को तू किसको सुन, तेरे को तू किसको मिल नहीं सकती है, तेरे को अलाउड नहीं है सोनिया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तू किसको भी नहीं मिल सकती, कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, कितनी भी बड़ी अप्रोच रहने दो, भाई तूने मेरे नाम का मंगलसूत्र डाला है, तू नहीं मिल सकती है, खत्म यानी खत्म। भले वो डीके हो, और अगर वो डीके है तो मैं कौन हूँ, BOSS, मेरा नाम दीपक कलाल है, उसका डी ले ले, कलाल का के ले ले, आगे बॉस लगा ले, क्या बनता है, भोसड़ी के। ओह आई सी, देख ऐसे बंदे तो अगर ये डीके है तो मैं बॉस डीके हूँ। हाँ तो ये बॉस डीके, तुझे बॉस BOSS, बॉस, डी फॉर दीपक, के फॉर कलाल, बॉस डीके, तो ये बॉस डीके तुझे बोल रहा है, तेरा पति हूँ और तू किसको भी मेरे परमिशन के सिवा मिल नहीं सकती है। ठीक अब है। जो पाड़ना है पाड़ ले, और मैंने तो भाई सिस्टम पाड़ के रखा है। और जो दीपक ने क्या नाम है, 2 बॉडीगार्ड छोड़ रखे, उनसे कैसे बच के निकलेगी सोनिया जी, उनसे कैसे बच के निकलोगी। हाँ ये 36 बिरादरी का आदेश है तेरे को, 36 बिरादरी के रीति रिवाज के अनुसार तू नहीं मिल सकती है किसको मेरे परमिशन के सिवा। ठीक है डीके भाई, ये बात तू मौने की नहीं मौने बता, घूट घूट पी के बताओ, घूट पी के बताओ। हाँ बताओ क्या बोल स्टाइल रहे हो? देखो डीके का स्टाइल देखो, देखो घूंट पी के पहले पहले घूंट लगी है, फिर बताओ कौन से पीनट खा रहे हो, क्या चल रही है, मूंगफली है क्या? अब बताओ क्या बोल रहे हो? अरे पूछ रहा था मूंगफली खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो दारू के साथ या बादाम चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाई अब खाते हैं, ये तो चने खा रहे हैं यार, वो भी प्लास्टिक के डिब्बे में, चिवड़ा है यार, चिवड़ा है ये तो, चिवड़ा है। हाँ बहुत स्वाद। अच्छा ये है, ये छोटे छोटे से जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको यार, ये मेरे को तो नाम ही नहीं याद आ रहा है। कुछ भी खाऊं, पर ये बताना बात क्या चल रही थी, वो बताना मैं कुछ भी खाऊं। अरे तुम काजू बादाम खाओ, उसके बाद में चीज खाओ, अपने जो 36 बिरादरी के लोग है वो जब दारू पीते है ना काजू, तो एक सबसे पहले तो एक लड़का घूमता है आजू बाजू कि भाई क्या चाहिए, चिल्लम भरने के लिए 2 नौकर होते हैं, ये देख साइड पे रखे हुए हैं पकड़ाने के लिए, दिखा दिए ये देख। वो बातें छोड़ दे, वो बातें छोड़ दे, मैं तेरे जैसा लड़के नहीं रखता हूँ, मेरे भांजे और भाई रखता हूँ, तेरे जैसे मैं आदमी नहीं रखता हूँ, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, मैं हर एक बंदे को मेरा भाई मानता हूँ, जो भी है मेरा भाई है, जो भी साथ में मेरे भाई होते। अच्छा तुम मुझे बात बताओ, तुम दही के डब्बे में चने डाल के क्यों खा रहे हो, काजू बादाम क्यों नहीं खा रहे हो? अरे चीज बाइट का ही डब्बा है दिमाग की। चीज वाइट का ही डब्बा है रे, वो दही का डब्बा नहीं है। अच्छा अच्छा अरे वो कुछ भी है, तू अभी ये बता इसके पीछे कितने बॉडीगार्ड छोड़े है? 2 बॉडीगार्ड छोड़े मैंने, और ये नहीं जा सकती है किधर भी, क्योंकि मेरी अप्रोच है, पहचान है, यार ये 2 दिन के बाद। डीके जी देखिए अभी तो मेरी बॉडीगार्ड है, अगर मैं उनके चुंगल से बच के भाग गई तो अगर दीपक ने पक्की सिक्योरिटी लगा रखी है मेरे घर के नीचे भी, और नहीं भाग पाओगे तुम, नहीं भाग पाओगे, तुम्हारे पास वो सलमान खान जैसे बॉडीगार्ड थे ना, उससे खतरनाक बॉडीगार्ड है सोनिया, भूल जाओ। तो बोल देना मेरी भटती है, बोल दे मेरी भटती है, बोल दे मेरी भटती है, बोझ दिखे ये बोझ दिखे से तेरी भटती है, बोल दे। सुन हाथ जोड़ के सुन सोनिया, हाथ जोड़ के सबके सामने, ये बिरादरी के लोग बैठे 36 बिरादरी के, कहना कि मैं कभी भी अच्छे कपड़े पहन के आऊंगी, 36 बिरादरी की इज्जत करूंगी, मेरे जो पति है दीपक कलाल उनके मैं पैर की धूल हूं, उनकी इज्जत करूंगी, ये बता दियो भाई एक बार, नहीं तो देख फिर तेरा और मेरा नहीं रहेगा, इज्जत से बता दियो जो सिखाया है तुझे, बता हाथ जोड़ के बताइयो। देखिए डीके जी भी एक अच्छी फैमिली से, ये भी अच्छी फैमिली से, चौधरी भी, आप भी, मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर मैं आगे से जब भी लाइव आऊंगी मैं ऐसे दुपट्टा पहन के 36 बिरादरी और अपने गुजरातियों को सबकी एक शर्म हया करके मैं लाइव में ऐसे बैठूंगी, बस मैं पैर की धूल लोग बहुत ज्यादा। गुजरातियों के बारे में तो बोली, गुजरात आ रही है कि नहीं वो बता, 2 दिन का जो वो नहीं, वो नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, उसको अलाउड नहीं है, उसको अलाउड नहीं है भाई, इसकी औकात नहीं है ना, इसकी औकात नहीं है ना यहाँ, टिकट भेजो,
डीके ब्रो टिकट भेजो इसको, बिजनेस क्लास की टिकट भेजो, सब इकट्ठे आएंगे, इनको टिकट भेजो, बिजनेस क्लास की टिकट भेजो और लीला में रूम बुक करो। डीके जी मैं अपने पति के साथ आ जाऊं आपसे मिलने, पति को लेके टिकट भेज दो, दोनों की टिकट करा दो बिजनेस क्लास की, दोनों की। हाँ मेरी टिकट कर दो, मैं आऊंगा, हम दोनों आएंगे। सुन मैं लीला में इसको गिला करूंगा, अब बता तेरे सामने गिला करूंगा इसको लीला में। सामने दोनों की टिकटें बुक कर दो बिजनेस क्लास से, ये बिजनेस क्लास इकोनॉमिक में तो क्या ही चलेंगे, इकोनॉमिक में बहुत भीड़ भी रहती है, टल रूम भी होता है। मियां बीबी आ जाते हैं, आप दीपक को अपने बाउंसरों के पास छोड़ देना, मेरे लिए बुक कर देना, कैसे रहेगा वो कर देना। और दारू का टिकट बुक करो, आप सुनो एक बिजनेस क्लास हम दोनों का टिकट बुक करो, हम लोग आ जाएंगे ना। सोनिया को कहाँ छोड़ दो, दीपक को कहाँ छोड़ दो, अरे दीपक को तो एयरपोर्ट से ही उठवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तुम दोनों नहीं, देखो तुम मेरा पति है, एक 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 पत्नी का फर्ज है अपने पति की रक्षा करना। अरे तो प्रेसिडेंट स्वीट बुक कर देना ना, प्रेसिडेंट स्वीट में दो कमरे होते हैं। हाँ प्रेसिडेंट स्वीट में दो कमरे होते हैं। मैं कह रही हूँ दीपक जी को बाउंसर, जब जहाँ इनके बाउंसर डीके जी की, वहाँ साथ में इंजॉय करवा देना। अरे उसको प्रेसिडेंट स्वीट नहीं कहते, उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम स्वीट कहते हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट, प्रेसिडेंशियल स्वीट, वो सूट नहीं होता है, स्वीट SUIT स्वीट। अरे सूट कौन बोल रहा है भाई, क्या हुआ यार? और वो प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रेसिडेंशियल होता है, कुछ भी बोलता है साला, हरियाणवी मीडियम में पढ़ के आया क्या यहाँ पे? आज तक दीपक जितनी होटल में रुका है ना, उतनी होटल का तो नाम भी हमने नहीं सुना होगा। अरे भाई इसका काम था ना पहले, दीपक तो दिल्ली में रुका है, इसको कहना है प्रेसिडेंशियल स्वीट, इसको सोनिया ने इसीलिए तो दीपक को प्रेसिडेंट ने इसीलिए तो दीपक को चॉइस किया कि कोई दिक्कत ना हो। मैंने प्रेसिडेंट सूट दिल्ली में फाइव स्टार होटल में रुका था, डीके जी फाइव स्टार होटल, चैंपियन शावर हुई है दीपक के ऊपर, पूछो दीपक जी। होटल में भले ही रुका था, होटल में भले ही रुका था, पर तेरे पास कहाँ रुका था वो सब बताओ मुझे प्लीज। डीके जी उसके लिए तो तुमने ओयो लिया था ना? हाँ ओयो लिया था, ओयो बुक किया था तुमने। अब तुमने मंगलसूत्र इलंड वाला पहन लिया है तो क्यों ना बोलो, तुमने मंगलसूत्र इलंड वाला तो पहन लिया, क्या करूं बताइए। नहीं भाई ये गलत बात है, अपनी संस्कृति है ना उसकी इज्जत करो भाई, अपनी जो भारतीय संस्कृति है। आप दोनों ने मंगलसूत्र गोटे और लंड वाला तो बता दिया, संस्कृति किसे बोलते हो दोनों? देखो भाई मैं यही कहना चाहूंगा, अब रिकॉर्डिंग शुरू करके देख उसके बाद शुरू होगा। अब चल बोल क्या बोलना चाहता है। सुनो अपना जो हर एक बंदे को लाइफ में जो होता है तू क्या करता है, बोल क्या बोल रहा है। उसने भाई गोल्ड मेडल जीता है तो यहाँ पे जो भी 15,000 लोग है अपने 36 बिरादरी के सब लोग सलाम करते हैं नीरज चोपड़ा के जज्बे को कि उसने अपने हरियाणा को गोल्ड मेडल दिलाया। यार मैं चाहता हूं कि जितने भी लाइव में अपने 15,000 भाइयों जुड़े हैं सब लोग जो है वो दिल से सलूट करें अपने भाई को, भाई हमारी लाइफ तो चलती रहे, बट नीरज भाई ने जो अपने देश के लिए किया है ना उसके लिए तालियां यार, उसके लिए तालियां। अपने भाई का अपने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और भाई मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ऊपर ये जो साहिल बैठे हुए हैं उन्होंने मेरा केक नहीं काटा लेकिन उन्होंने उसका केक काटा। ये बहुत अच्छी बात है यार कि अपना जो भाई है उसका दिल से स्वागत। और लोग ऐसे कह रहे हैं कि दीपक जी आपके सब लोग केक क्यों काट रहे हैं 36 बिरादरी में। यार 36 बिरादरी के लोग ऐसे कहते हैं कि दीपक जी आप हरियाणा में वायरल हो, आपके डायलॉग्स हरियाणा में बच्चा बच्चा बोलता है, सिस्टम पार देंगे, जय बाबा की, जॉन के बदले जॉन देंगे, तो आपका ये जो फेम है उसको हम पॉजिटिव वे में डाइवर्ट करेंगे, आपका ये जो फेम है वो निगेटिव है। दीपक भाई आप टैलेंटेड बंदे हो, आप इंग्लिश में पोयम्स लिखते हो, आप हरियाणवी गाने गाते हो, आप एक टैलेंटेड बंदे हो, तो आप करे भाई बोल रहा हूं मैं पहले से एक भी वर्ड आप लाइव पे आए ना लोगों ने नीचे कमेंट किए कि दीपक इसकी गौंड लेना इसकी गौंड मारना, तो मैं जोश में आ गया। मैंने तो मेरे भाई एक बात सुन, कोई कुछ भी लिखे पहले उस बंदे को देखना चाहिए कि वो मेरे लिए क्या बोल रहा है, फिर बोलना शुरू करना चाहिए। नहीं सही ये बात सही है भाई, दिल से इज्जत करता हूँ आपकी, और गलती से कुछ अगर बोला है तो एक बात सुन मेरे भाई पूरा गुजरात अगर तेरे खिलाफ है पर तू मेरे साथ प्यार से बात कर रहा है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ कि नहीं भाई, वो मेरे
मेरे से प्यार से बात कर रहा है, भले ही पूरा गुजरात तेरे पीछे। वाह क्या बात है दीपक, तुम ऊंचे लोगों से मिले हो गए, लेकिन डीके मैं आपको फॉलो करूंगा, बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको फॉलो करूंगा। ओके, क्योंकि ये चीज अलग होती है मेरे भाई कि कोई बंदा अगर आपकी लेने के लिए आया है, कोई बंदा लेने के लिए आया, खुद के व्यूअर्स बढ़ाने आया, फॉलोअर्स के लिए आया, उसकी लो, उसकी लेना जरूरी है। बिल्कुल उसकी लेना जरूरी है कि वो बंदा अपने व्यूअर्स बढ़ाने आया है, अपने फॉलोअर्स के लिए, उसकी ले लो। क्या बात बोली, क्या बात बोली। अब तुम हम दोनों के नाम का भी एक एक पैक बनाओ और घुट तबियत से बॉटम सब मार जाओ, हम दोनों के नाम दोस्ती के नाम का। दीपक भाई अगर कोई बंदा दोस्ती के लिए आता है ना, तो दोस्त भी देखना चाहिए कि बंदा अपने साथ कैसे रह रहा है। सही बोला डीके जी, बिल्कुल नहीं नहीं भाई, मैं आपसे दोस्ती करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे लाइफ में हरियाणा से लेके उत्तराखंड से लेके हर एक सीआई से लेके कमिश्नर से लेके पूरी मिलिट्री मेरे लाइफ में ज्वाइंट होती है, सोनिया को पता है, हर एक मेरे लाइफ में ज्वाइंट होते हैं। बिल्कुल 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 दीपक, नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से 2.5 लाख का शैंपेन शॉवर मेरा दिल्ली में हुआ, मिलिट्री आर्मी से लेकर हर बंदा 5 लाख का शैंपेन शॉवर अपना भाई डीके करेगा, ये दीपक कलाल का 5 लाख का तीनों चल रहे शैंपेन शॉवर मेरा भाई डीके करेगा, ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज कि अपना ये जो भाई है ये 5 लाख के शैंपेन दीपक के लिए शॉवर करेगा। क्यों 5 लाख बर्बाद कर रहा है शैंपेन पे, 5 लाख में गरीबों को कितनों को खाना मिलेगा यार, शैंपेन सर पे उड़ा के क्या फायदा होता है, 5 लाख की दारू उड़ा दो क्या। बिल्कुल सही बोला चौधरी, I love you। अरे नहाना तो शैंपेन के बाद भी पानी से ही नहाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है दीपक भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ जगह दे दो ना, यहाँ जगह दे दो, बहुत काफी है डीके के लिए। अरे यहाँ क्या जगह, तू मेरे को गुजरात बुला, मेरे को पैसा दे, मेरे को पार्टी कर, यहाँ पे जगह दू तो क्या मेरा भला हो जाएगा क्या, बहुत गुजरात बुला, खर्चा कर मेरे ऊपर पैसा, पैसा खर्च कर मेरे ऊपर, पैसा खर्च कर पैसा। अब तो गुजरात बुलाना पड़ेगा, अब तो बुलाना पड़ेगा डीके जी, मैं चाहती हूँ आप चौधरी बुलाना पड़ेगा, हमारी फ्लाइट मेरे को इनवाइट करो गुजरात में, यहाँ पे क्या दिल में जगह रखने से मेरा घर चलेगा क्या, ये सोशल मीडिया मेरी रोजी रोटी है, कुछ पैसा कमा के दो ना मुझे। जो चीज में ना बोल रहा हूँ वही शुरू कर दी ना तूने वापस। अरे नहीं अभी तो अच्छी बात हो रही है, अब तुम गुजरात बुलाओ इनको, इनवाइट करो फ्लाइट विलाइट। अरे भाई मेरे को दिल्ली में इनवाइट किया, एक एक नाइट का 2 लाख रुपए दिया उन्होंने क्लब वालों ने, अगर आपकी ऊंची पहुंच है अप्रोच है तो मेरे को कुछ पैसा वैसा दो, इन्वाइट करो मुझे। पैसों के लिए जो इंस्टा यूज करते है ना, हाँ वो खुद को सेलिब्रिटी नहीं समझना चाहिए। जो लोग इंस्टा को पैसों के लिए यूज करते हैं ना, उसे नहीं चलाना चाहिए। अरे भाई जो ये बोलता है ना उसे डोनेशन देने का हक ही नहीं है, जो इंस्टा पे बोलता है उसे डोनेशन देने का हक ही नहीं है। अरे तुम इनको बुलाओगे, ये जो तुम इनको बुलाओ, मेरा नाम देवदातार है दीपक कलाल, मेरा नाम देवदातार है, मेरा नाम देख लेना देवदाता रे, मेरे आईडी में देख लेना, मैं जो करता हूँ ना कुछ कभी बोला ही नहीं, अगर किसी को कुछ भी दिया ना सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहिए। अरे ये तो मजबूरी में बता रहा है ना वो, वरना लोग सोचेंगे 2 लाख रुपए क्यों लिए इसने, क्या करेगा यारी दोस्ती में पैसे मांग रहा है, वो इसलिए बता रहा है कि वो पैसे को डोनेट करना पड़ता है इसलिए उसने बता। अगर किसी को कुछ दिया ना साहिल भाई, अगर किसी को कुछ दिया ना उसकी मजबूरी कभी इंस्टा पे नहीं बतानी चाहिए कि हमने किसके लिए क्या किया। मजबूरी नहीं, अभी कोई ये बोल रहा है ना नीचे कमेंट में कि इसने 2 लाख रुपए क्यों ले लिए यारी दोस्ती में पैसे मांग रहा है, वो पैसे नहीं मांग रहा है, वो उस पैसे को आगे अच्छे काम में इस्तेमाल कर रहा है। तुम कंबोडिया देता हूँ, सोमालिया में डोनेट करता हूँ गरीबों को, जिनके नसीब में खाने के लिए रोटी नहीं है, खाते नहीं है, भूखे मर रहे हैं ऐसे, उनको देता हूँ। उस लोगों को दिखा दिया ना, उन लोगों को लाइव में तूने दिखा दिया ना कि उन लोगों को बिचारों को तू क्या कर रहा है। अरे लेकिन उसने कोई फोटो थोड़ी डाली आज तक कि कहा उसने खाना देते हुए फोटो नहीं, पर बोलना जरूरी थोड़ी ना था साहिल भाई कि किसको क्या कर रहा है, बोलना थोड़ी ना जरूरी। तू सेलिब्रिटी नहीं मानता है इसीलिए बोलना पड़ा कि वो पैसा क्यों। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई सेलिब्रिटी अगर पैसों के लिए इंस्टा यूज करती है वो सेलिब्रिटी नहीं है। अरे नहीं रे वो सेलिब्रिटी नहीं है मान लिया, लेकिन इसको अभी ये है कि गुजरात में थोड़ा बुलाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा और भाईचारा आगे बढ़ेगा और थोड़ा पैसा वैसा इसको देगा। पता है कि इधर जगह रखने से मेरा चूल्हा जलेगा। अरे इनको पोरबंदर के बंदर दिखाओ इन्हें, जरा पोरबंदर के बंदर दिखाओ इन्हें। ये खिचड़ी भी खत्म हो गई, खिचड़ी भी कितनी बची अभी।
इसको अभी दूध में डाल के खाऊंगा। अरे इसे बुला ले, ये तो बहुत अच्छी कुक है, इसे बुला ले, बहुत अच्छी कुक है तेरी वाइफ ये। तो खाने में क्या बनाए? इसको मैंने बोला गुलाब जामुन बना, इसने क्या किया पता है? दो टट्टे फ्राई करके दिए मेरे को, टट्टे फ्राई करके बोला ये गुलाब जामुन है। तो क्या बोलूं मैं तेरे को? ये मेरी बीवी है ये। दीपक तब तुम, मैं तुम्हें जो होगा वही तो ये जरा सोनिया निकाले किसके थे ये बताओ मुझे, पता नहीं किसके थे। तुम मेरे पति हो या मेरे को? ये इतनी खिचड़ी बच्ची है भाई, लेकिन दिल में इसको दिल में बैठा, इसको दिल में बैठ के खाना, डीके भाई के दिल में बैठ के खाई समझ नहीं रहा दिल में बैठा भाई। मैं जो बात बता रहा हूँ ना, मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये समझ नहीं रहा है। ये देखो ये सीताफल देखो कितने लेके आया हूँ, सीताफल ये देखो। खाना मेरे भाई, खाना वैसे भी उम्र हो गई, खाने जरूरी है, खाना जरूरी है। क्योंकि ये 2 लाख जो लेता है वो ऐसी थाली में नहीं खाता है। और मैं